पटियाला स्पोर्ट परिसर में आज हमारे साथ खड़े हैं माननीय सचिव महोदय, जो कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डीएलए से हैं, और आज आयोजित किया जा रहा है यहाँ के परिसर में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मैडम, ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इसमें किस तरह की गैदरिंग आपने आज बुलाई है और आज कौन अतिथि को संबोधित करेगा आज की सभा? आज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज है, जो कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से 23 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। नई दिल्ली डीएलएसए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसको इसलिए मना रही है क्योंकि ये हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि हम सोसाइटी को लीगली अवेयर और सेंसिटाइज बनाएं। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अल्टीमेट गोल जो होता है, ह्यूमन राइट्स की भी प्रोटेक्शन हमें करनी है। तो ऐसे कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए जो एक इंसान को दूसरे से डिवाइड करे, देखी नहीं जा सकती। तो इसी को आज हम एक इनिशिएटिव, अपना एक प्रयास ही कहेंगे, इसके आगे हम इनको एक तरह से इसको मोटिवेट करना चाहते हैं लोगों को कि ये इसको सीखें, और हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम लोगों को ये सिखाते रहें। मैडम, आपका बड़ा अच्छा प्रयास है, मैं इसके लिए आपके नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को बधाई देता हूँ। साथ में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे फिजिकली चैलेंज लोग जो अपनी बात को एक्सप्रेस शब्दों से नहीं करना चाहते और वो कोर्ट में अपीयर होते हैं, तो उस तरह के चैलेंजेस में आप क्या करते हैं? जैसे वो फ्रंट ऑफिस हमारा जो डीएलएसए का है, वहाँ ड्यूटी पे होते हैं, कई बार काउंसलिंग करनी होती है या उनको लीगल एडवाइस देनी है, तो ऐसे मौक़ों पे ज़रूरत पड़ती है। इंटरप्रेटर्स की तो अवेलेबिलिटी रहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये खुद भी अब रिलेट कर पाएँ उनसे और थोड़ा एम्पैथेटिक हों। तो हम चाहते हैं कि ऐसी सोसाइटी बने जो इंक्लूसिव हो और जो ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज करें। तो आज इसी प्रयास में हम ये एक सेशन ले रहे हैं और इसके रिसोर्स पर्सन में हमने दो एक्सपर्ट्स बुलाए हैं। कौन मैडम? आप हैं सेक्रेटरी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डीएलएसए से हेलिखर कौर मैडम जी। मैडम कौर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो मनाए जाते हैं राजधानी में नहीं बल्कि पूरे भारत नहीं विश्व भर में मनाया जाता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आज के दिन के बाद जो इनके उद्देश्य आपने बताए कि ये है, इसको किस किस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से आप प्रमोट करेंगे ताकि इसका सार्थकता आने वाले कल में बन सके? प्रॉब्लम हो या जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है स्पेशली, तो हम चाहते हैं कि सोसाइटी में इंक्लूजन बढ़े, इन लोगों के साथ हमारा ज़्यादा कम्युनिकेशन ईजी हो, जिनके पास शायद बोलने का ब्लेसिंग नहीं है लेकिन इनके पास एक ऐसा तोहफा है कि जो अपने जेस्चर्स से या बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो भी हम सीखें। बल्कि मैं समझती हूँ नई दिल्ली की भी ये विचार है जो डीएलएसए की, कि हमारे पास ये तोहफा नहीं है कि हम बॉडी लैंग्वेज और साइन से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, इनके पास ये है। तो हमें मुझे लगता है कि हम इस चीज़ से बिरेफ्ट हैं, हमें ये चीज़ नहीं पता है, तो इसलिए हमें सीखना चाहिए। और आज के इस इवेंट में, इस प्रोग्राम में जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, लीगल एड काउंसल्स हैं और सपोर्ट पर्सन्स हैं, जिनका ज़्यादातर नेचर ऑफ ड्यूटी ऐसी है कि जिनको ऐसे विक्टिम्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते टाइम। आज इंटरनेशनल साइन डे है और ये पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में आए हुए हैं एक अतिथि जिन्होंने आज की सभा को संबोधित किया। मैडम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ और आप किस एसोसिएशन से? मेरा नाम ऋतु पांडा है, मेरा ये साइन नेम है। मैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ की मेंबर हूँ, एज ए वॉलंटियर ग्रुप में काम कर रही हूँ, प्लस मैं अपना अदर काम भी करती हूँ एनसीईआरटी के साथ, उसमें मेरा मतलब मैं जॉब करती हूँ। तो नेट के साथ मेरा ये है जो एडवोकेसी का वर्क, हमारी जो टीम है बड़े लोगों की, उसमें ये सिलेक्ट होगा। आज का जो कार्यक्रम था उसमें, आज के कार्यक्रम में मैडम आप क्या संबोधित कर रहे थे, आपने क्या बताया आज के कार्यक्रम में जजेस को जो आज कार्यक्रम में आए जी? जॉब, सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो आज से हमने देखा था, हर साल हम एक बधिर दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं। सो ये एक हमारे लिए लाइक दिवाली या होली की तरह होता है। जैसे आप देखो, जब सुनने बोलने वाले लोग होते हैं वो अपने होली दिवाली इस तरह, तो बधिर लोगों के लिए क्या है, तो वो यही है 23 सितंबर जब हमारे लिए एक त्यौहार की तरह पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज बहुत ही स्पेशल डे है कि आज का जो थीम है हमारा साइन लैंग्वेज यूनाइट फॉर अस, तो ये क्या हमें एकत्रित करती है। तो आज हम जो अवेयरनेस डाल रहे हैं हेयरिंग लोगों में, तो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल डे है हमारे लिए और ऑल
ऑल्सो जैसे जजेस का था जो हमारा थीम बेसिक साइन लैंग्वेज सिखाना ऑल्सो उनको अवेयरनेस देना इंटरनेशनल वीक ऑफ द डे है क्या ये इंडियन साइन लैंग्वेज क्या है इसके बारे में मैंने आज उनको जागरूक किया। तो जजेस को आपने अपने भाषण में क्या बताया जी जॉब? सेम जैसे मैंने बताया कि जजेस आपको नहीं पता होता बधिरता क्या है कैसे बधिर से बात करनी चाहिए बधिर लोगों से एक्सेसिबिलिटी के लिए क्या है महिलाओं के साथ रेप केसेस बच्चियों के रेप केसेस हो जाते हैं वो सुन नहीं पाते डॉक्टर एजुकेशन तो इस सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं इनमें एक्सेसिबिलिटी इंटरप्रेटर जरूरी है लाना उसके साथ उनको बधिर लोगों को प्रॉपर तरीके से एक्सेसिबिलिटी दी जाए यही आज जो मैंने आज के प्रोग्राम में डिटेल्स दी आज के कार्यक्रम।